करनाल के नए पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने आज करनाल जिला सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। आज पहले दिन सेक्टर 12 स्थित जिला सचिवालय में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सलामी ली और उसके बाद टैगोर स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में शिरकत की और फिर जिला सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय में जाकर करनाल पुलिस अधीक्षक की कुर्सी संभाली। करनाल के नए पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया को समाचार एक्सप्रेस न्यूज व करनाल वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं पूरी उम्मीद है कि करनाल जिले में अपराध और नाजायज काम पर अंकुश लगाने में पूरी ईमानदारी और निडरता से नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी। उन्हें एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के लिए जाना जाता है। निश्चय ही वे करनाल के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा नए पुलिस कप्तान ने, सुनिए आप भी। बनी रहे, ट्रैफिक की थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है जो सुनने में आया है, उसका हम आप सभी के और यहाँ की जनता के सहयोग से उसका निपटारा करें। फोकस जो है हमारा वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन, और जो एक जनरल माहौल है शहर का वो अच्छा हो, लोग अपने आप को सेफ फील करें, और पुलिस जो है डेडिकेटेड है पूरी उनकी सेवा करने के लिए। बाकी काम ज्यादा करना है, बोलना कम है। सर, एक आपने स्कूली बच्चों को भी संबोधित किया है। हाँ, अली में कल जो है 3 हादसे हुए हैं, जो स्कूल और लोग हैं, ऑटो चालक या बस चालक, यहाँ कल भी एक एक्सीडेंट हो गया। रोक लगाई जाएगी, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन तो कोई मिली जाना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है कि रोड सेफ्टी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, तो हम इंश्योर करेंगे कि पूरे हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वो इंश्योर करें, और हम इस खासकर जो स्कूल बसेस हैं या ऐसे उनको हादसों को टाल सकें। सर, करनाल की जनता को क्या मैसेज देंगे कि पुलिस का सहयोग किस तरह से और क्राइम के खिलाफ किस तरह से जागरूक होना चाहिए? करनाल की जनता को एक ही मैसेज है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड रहेंगे, अच्छे आदमियों के दोस्त हैं और बुरों के दुश्मन। ठीक है, ठीक है सर।